कनाडा ऑफिशियल वेबसाइट। आज की इस वीडियो में हम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि वहाँ बिजनेस करने वालों के लिए और सेटल होने वालों के लिए यकसा मुफीद है। हम मुदरजा जेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कनेडियन गवर्नमेंट कैसे इंडस्ट्री और बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, आप कनाडा में अपना बिजनेस मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप कनाडा में बिजनेस इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं और इस्टेब्लिश करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, बिजनेस प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कनाडा में आप नौकरी कैसे तलाश कर सकते हैं, तो तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है, कनाडा इस टाइम वर्ल्ड की टॉप बिजनेस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से एक है, और मतलब ये कह सकते हैं कि एक वेल एजुकेटेड वर्क फोर्स और नेचुरल रिसोर्स और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो मेजर इकोनॉमी है ना, उनके साथ फ्री ट्रेड अरेंजमेंट से होते हुए ये एक बहुत बड़ी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन बनती जा रही है। और आज हम बेसिकली कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि कनाडा के हर सेक्टर इंक्लूडिंग बिजनेस इंडस्ट्री और टैक्सेस, कल्चर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, जॉब, इमिग्रेंट्स, सिटीजनशिप, बेनिफिट्स, नेचुरल एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, फाइनेंसेस और सारे जितने भी हैं सबको इंक्लूड करते हैं, और इस पर मज़ीद आगे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस एंड इंडस्ट्री की फील्ड को हम चेक कर लेते हैं। ये बिजनेस टैक्सेस, परमिट्स और रेगुलेशन और बिजनेस सपोर्ट जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हर टाइप के बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज में असेस करते हैं हमें। और सेकेंडली, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन किया था अपनी वेबसाइट पर, जिसका नाम था कैनडास एसेंशियल कॉन्टीजेंसी और ESCI। जैसे कि मतलब जैसे आजकल पेंडेमिक का काफ़ी इशू हो रहा है, और उसकी वजह से ना कैनेडियन गवर्नमेंट को ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी थी, ESCR। ये ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और एसेंशियल सर्विसेज जो भी पेंडेमिक में ज़रूरी होते हैं ना, वो सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये हो गया कि ना ESCR के थ्रू बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के लिए PPEs और नॉन मेडिकल मास्क और डिसइंफेक्ट प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, वो टर्म शॉर्ट टर्म या अर्जेंट नीड पर मैनेज मंगवा सकते हैं इजीली। और रिक्वेस्ट करने से पहले ना उनको ये होगा कि वो PPE के जो सप्लाई हब होगी उनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करेंगे, और ये होगा कि वहाँ पे जाना चेक कर लेंगे कि कौन सी जो उनको सप्लाईज चाहिए तो उसकी डिटेल्स क्या है, और मतलब सब कुछ के उनको क्या और किस लिए ऑर्डर करना है, तो वो सब ये चीज़ ना वो उनको ये चाहिए कि वो पहले देख लें। उसके बाद आ जाता है कि अब हम बात आ जाती है कि हम ESCR में ना कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो उसमें ये है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब उसमें आ जाता है कि कौन कौन सी सर्विसेज हम ले सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकती हैं। उसमें ये पूरी लिस्ट है जो कर सकते हैं, वो ये है कि एक एनर्जी या यूटिलिटीज से जितने भी रिलेटेड बिजनेसेस होंगे वो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ICT कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वाले, फाइनेंस, हेल्थ, फूड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी और गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी रिलेटेड बिजनेसेस होंगे ना, वो ईजिली ESCR में अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा के वहाँ से सर्विसेज ले सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस में हमें बाकी सपोर्ट की जो भी सोर्सेज होंगी उनको कंज्यूम हो चुकी हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी, जिसमें हमारे पास ना मार्केट प्लेस से ली गई PPEs आ जाती हैं, और जो सपोर्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एसेंशियल सर्विसेज में दिए हैं वो भी इंक्लूड करनी होती हैं, और प्रोविंशियल या टेरिटोरियल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट मिली है उसको भी हमें इंक्लूड करना होगा, और PPE की कोई स्पेसिफिक टाइप्स या क्वालिटी भी मेंशन करें जिस करनी होती है, जिसमें जितनी मतलब हमें जितनी हमें ज़रूरत है ना हमारी, कि हमें कितनी हमें PPE चाहिए और कितनी हमें यूटिलिटीज चाहिए, इनकी सर्विसेज हमें कितनी चाहिए, वो भी हमें मेंशन करनी होगी। वो भी ये होगा कि हमें ना अपने एम्प्लॉयज़ के स्टाफ मतलब हमें अपने एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली करना होगा कि कितने हमारे पास स्टाफ है, हम उसी के अकॉर्डिंगली करें, हमारा बर्न रेट क्या है, तो ये हमें देख के फिर हम उसको ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक हेल्थ गाइडेंस की बेस पे भी जो भी रिक्वेस्ट सप्लाईज होंगे उनकी ना अप्रोप्रिएटनेस भी मेंशन करनी होगी कि वो
जो हमें मतलब हमने कुछ कर दिया ऑर्डर, तो हमें ये भी बताना होगा कि हम क्यों ऑर्डर करें, हमें किस लिए ज़रूरत है इसकी। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ कि हम ESCR में किस तरह अपने बिजनेस को मतलब अपने बिजनेस को अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह उसकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ना सपोर्ट रिक्वेस्ट करने से पहले बिजनेस PPE सप्लाई हब की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करेंगी, और वहाँ से ना लेने से पहले सबसे पहले होगा कि हमें ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम ले क्या रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो सब ये करके उसके बाद फिर हम स्टेप 1 पे आ जाएंगे। उसमें ये होगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाना होगा, जिसमें सेक्शन 1 में हमें ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर नेम और एड्रेस आ जाता है। फिर सेक्शन 2 में आ जाता है प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फो, और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कम्प्लीट करना होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 में होगा कि हमें क्रिटिकल सप्लाइज के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमें कौन कौन सी चाहिए, उसको रिव्यू भी करना होगा। और नेक्स्ट स्टेप 3 में हमें होगा कि हमें ना जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उसका स्टेटस हमें चेक करके उसकी जो कंफर्मेशन हमें मतलब पता चल जाएगी, कि हम पहले स्टेटस चेक करते रहेंगे कि हमारा जो परचेज है वो कंफर्म हो गया कि नहीं हुआ, और उसके बाद हमारी अप्रूव हो जाएगी एप्लीकेशन, जो है वो अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि हम अपने बिजनेस किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कि कहते हैं कि इनकी जो एक्सपर्ट टीम है ना, वो हमें हमारे बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस के ऑपरेशन स्ट्रेटजी को, फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी भी है उसको उसमें, और मार्केटिंग और ग्रोथ में, दोनों में सब में गाइड करती है, जिससे ना हमारे जो बिजनेस है ना होता है वो वहाँ की इकोनॉमी में इजीली मेंटेन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ना सर्विसेज, अपनी जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ना रेट्स के साथ उन्होंने बता दिया। तो उनमें उन्होंने रेट्स ये है कि फाइनल एनुअल रिटर्न के लिए हमें $12 की ज़रूरत होगी, हमें वो करवानी होगी, और इनकॉर्पोरेट हमें $200 में पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ सर्विसेज फ्री भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमें अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस लेना होगा वो हमें $10 का पड़ेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस हमें भी $10 का पड़ेगा। अमेंड आर्टिकल्स $200 तक जा सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो $0 में भी हमें इजीली मिल जाए, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो किस लेवल की है। फिर नेक्स्ट ये एक्सेम्पशन के लिए हम जब अप्लाई करेंगे उसके भी हमें $250 पे करने होंगे। बाकी जो है हमारे पास सर्विसेज वो कुछ फ्री हैं, वो उसमें आ जाता है कि अनसर्टिफाइड कॉपीज जो हम कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स के ऑर्डर करेंगे वो हमें फ्री होगा, कॉर्पोरेट नेम के लिए जो हम प्री अप्रूवल मांगेंगे वो भी फ्री होगा, कॉर्पोरेशन की हमें लेनी होगी तो वो भी फ्री है, अगर हमें डायरेक्टर और इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो या व्यू करनी हो वो भी हमारे लिए फ्री है। अगर हमें रजिस्टर ऑफिस इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास हमने रजिस्टर की हुई है कि ब्रांच ऑफिस का एड्रेस ये है, ये इसका नाम है, ये सब कुछ है, तो अगर हमने वो चेंज कराना होता है इन केस, तो वो भी हमें फ्री है यहाँ से। और दूसरा ये कि एनुअल रिटर्न रिमाइंडर जो ईमेल्स हमें मिलती हैं हर एनुअली, उसको सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन भी उसकी बिल्कुल फ्री है, और ईमेल नोटिस भी, इसकी सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमें फाइल करनी है वो भी हमें बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें कॉर्पोरेट प्रोफाइल ऑर्डर करनी है वो भी बिल्कुल फ्री है, और अगर हमें ईमेल नोटिस की सब्सक्रिप्शन चाहिए वो भी हमें फ्री मिल जाएगी। और नेक्स्ट ये कि फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो भी हमें फ्री मिल जाएगी, कॉर्पोरेट प्रोफाइल का ऑर्डर भी हमें बिल्कुल फ्री मिलेगा। नेक्स्ट हम और मज़ीद सर्विसेज देख लेते हैं, उनके भी रेट्स बताए हैं कि अगर हमें कॉरपोरेशन बिजनेस के लिए चाहिए अगर सर्विसेज, तो उसमें क्या आ जाती हैं कि अगर हमें अपने फेडरल कॉरपोरेशन को रजिस्टर करवाना हुआ प्रोविंस या टेरेटरी में, तो उसकी ना कॉस्ट ने उन्होंने कोई प्रॉपर बताई नहीं है कि कौन सी वेरी करती है अपने बिजनेस के साइज और से ना, कि जिस तरह का बिजनेस होगा हमारा, जिस हिसाब का होगा, जिस लेवल का होगा, कि कह सकते हैं कि जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट पड़ेगी हमें। नेक्स्ट उन्होंने CBCA की, अगर हम कंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस को इनटू अ CBCA, तो उसके $200 हमें पड़ेगी। एमलगेमेट कॉर्पोरेशंस के भी $200 डिसॉल्व अगर हमें करना, हमने हमें अगर हमें कॉर्पोरेशन अपनी कम्प्लीटली ख़त्म करनी है तो हम इजीली फ्री में हम वो कर सकते हैं, ये भी हमें सर्विस फ्री में मिल रही है। अगर हमें अपने इंटेंट को डिसॉल्व करना हो, क्या हमें सिर्फ इंटेंट उसको ख़त्म करना हो, तो वो भी हमें फ्री मिल जाएगा। अगर हमें जैसे अब हम इंटेंट ख़त्म कर चुके हैं उसको हमें फिर रिवोक करना हो, उसकी उसकी हमें प्राइस पे करनी होगी जो कि है $50,
और लेटर ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हम लेंगे अगर लेना चाहते हैं तो उसकी $200 पड़ेंगे। प्रॉक्सी सर्कुलर भी फ्री है, प्री अप्रूव स्केजुअल्स भी हमें फ्री मिल जाएंगे। प्री अप्रूव स्केजुअल को अगर हमें मैनेज करना है वो भी हमें फ्रीली हमें मिल हो जाएगी। बी टू बी आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन $200 पे हमें सर्विस मिलेगी, और बी एनुअल रिटर्न $12 की है, और जो बी टी बी प्री अप्रूव हो करना हो हमें अपने कॉर्पोरेट के नेम को वो हमें फ्री में हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन के लिए अगर हम लॉ को फाइल करें, फाइलेबल लॉज होगी, वो भी हमें फ्री हमारी सर्विस मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मजीद सर्विसेज जो कि बिजनेस और इंडस्ट्री में कनाडा, मतलब कनाडा और बिजनेस और इंडस्ट्री में हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसमें ये आ जाता है कि हमें ना रियल स्टेट में जो हम इजी रियल स्टेट बाय करनी है या रियल स्टेट के बिजनेस हमें एस्टेब्लिश कराना है, तो वो उसमें ही हेल्प करती है, हमारे फाइनेंसिस को मैनेज करती है, हमारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और बजटिंग होती है उसमें भी हेल्प करती है। हमें फोरकास्टिंग होगी, बुक कीपिंग होगी, अकाउंटिंग होगी, और हम किस तरह अपनी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को अगर इंसॉल्वेंट करना होगा तो उसके लिए भी हमें हेल्प करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमें अपने बिजनेस को ख़त्म करना हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं, अगर हमें बिजनेस को सेल करना तो वहाँ पे भी हमें हेल्प कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज वो हैं जिसमें ये कैनेडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये हमें प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं। कह रहा था कि हम अपने बिजनेस किस तरह हम अपने बिजनेस को कैनेडा के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, कि हम अपने बिजनेस को किस तरह एक अच्छे लेवल पे वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री का ना अपना एक होता है कि हम वहाँ के लाइसेंस अलग होते हैं, वहाँ के एक सिस्टम अलग होता है। तो यहाँ पे हम कनाडा के जो प्रॉपर सिस्टम है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें टोटली 5 स्टेप्स आते हैं जो उन्होंने खुद मेंशन किए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि हम ना अपने बिजनेस को प्लान करें, नेक्स्ट हम उसके जो नाम है उसको हम चूज़ करें, और उसके बाद हम अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट हम अपने बिजनेस के जो परमिट्स हैं, लाइसेंस हैं, उसके लिए अप्लाई करें, और फिर हम बिजनेस सपोर्ट और फाइनेंस आराम से ले सकते हैं। इन स्टेप्स को आगे इन्होंने मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट उन्होंने किया कि हम बिजनेस के प्लान को किस तरह मतलब डेवलप कर सकते हैं, हम किस तरह बिजनेस आइडिया को ना एक प्रॉपर एक शेप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली आप ना अपने आइडिया को ना एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे आप उसको शिफ्ट करने की कोशिश करो, कि एक जो भी आपका आइडिया है, जो सपोज हम कोई रियल स्टेट में हम करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो आइडिया ना वो एक ऐसा हो कि वो एक प्रॉपर बिजनेस में शिफ्ट हो सके। ये ना हो कि हम ऐम ही कोई लेके बैठे हों कि हमने ये स्टार्ट करना है और जिसका कोई वहाँ पे काम भी ना हो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। और दूसरा कि अपॉर्चुनिटीज़ को हम देखें कि वहाँ पे कौन सा बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, कौन सा बिजनेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रहा है और कहाँ पे हमारी ग्रोथ ज़्यादा है, तो हम सबसे ज़्यादा वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। फिर हम अपने मार्केट नीश देखें कि हमारा जो अगर सपोज हम कोई काम या कोई बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें मार्केट वैल्यू क्या है वहाँ की, उसी हिसाब से हम अपने बिजनेस को वहाँ पे स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि अपने बिजनेस प्लान को एक प्रॉपर एक अच्छा उसका आइडिया स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान प्रेजेंट करें, और एक मेंटोर हायर करें। मेंटोर से हायर करने से ना एक ये होगा कि जैसे अब हम तो वहाँ पे न्यू हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ पे हम किस तरह वहाँ की मार्केट प्लेस है, किस तरह वहाँ का होगा और क्या है वहाँ पे एक्सपर्टीज़ वहाँ की क्या है, हमें एग्जैक्टली कोई पता नहीं है। हम ऐसे मुंह उठा के वहाँ चले जाएँ कि भाई हमें ना वो कर दें, हमने मेरा बिजनेस स्टार्ट करने हम खुद कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि इस तरह ये होगा कि हमें ना हमारे जो पैसे अपने जो पैसे हैं वही हमारे ना ख़त्म, हम ये होगा हम लॉस में चले जाएंगे। तो अगर हम कोई मेंटोर लेते हैं या कोई स्पेशलिस्ट लेते हैं तो वो हमें ना काफ़ी हद तक ना वो कर देगा कि किस तरह अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं, और किस 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 चीज़ में आप अपने इन्वेस्टमेंट करें, और कौन से एम्प्लॉयज़ को आप हायर करें, वो उससे होगा कि हमें एक तरह की हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है वो कहते हैं कि अपने बिजनेस प्लान को वो करके आप लिख के नेक्स्ट अपने, या तो आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे कोई बिजनेस जो ऑलरेडी एक वेल नोन बिजनेस है आप उसको आप ख़रीद लें। अगर आपने ये नहीं करना और अपने अपना खुद, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपना खुद अपना अपना ओन करें वहाँ पे बिजनेस, अपना खुद बिल्कुल ए टू स्टार्ट जो होता है आप वहाँ से स्टार्ट करें। फिर बात आती है कि आपने ना बिजनेस ओनरशिप आपको लेनी होगी, अपने ना बनाना होगा कि किस तरह का आपका बिजनेस होगा, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके जो बेसिकली 3 टाइप्स है लीगल स्ट्रक्चर की।
तो फर्स्ट ईयर सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि है कि उसमें ये होता है कि ना जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर और बिजनेस एक सिंगल एंटिटी के तौर पे कह सकते हैं पहचाना जाता है, एक उसका ओनर और बिजनेस। फिर ये कि इसमें ना जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना वो बेसिकली आप कह सकते हैं अर्निंग के पर्पज़ के लिए हमें ना कहा जाता है कि अर्निंग के पर्पज़ के लिए बनाया गया। नेक्स्ट पार्टनरशिप में ये होता है कि ना वो होता सेम सोल प्रोप्राइटरशिप में, सिर्फ ये होता है कि उसमें ना जो पार्टनर्स आ जाते हैं कि एक से ज़्यादा उसके ओनर्स होते हैं, और ये होगा कि जो भी लॉस और जितना भी हमें वहाँ से जितना भी हमें प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली शेयर होगा दोनों में। और कॉरपोरेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, उसमें ना बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। उसमें इसमें जो उन्होंने प्रॉपर जो डेफिनेशन दी थी उसमें इन्होंने ये कहा था कि एक पर्सन ओन करेगा और जो पर्सन और बिजनेस होगा उसको एक एंटिटी, मतलब दोनों चीज़ों को एक एंटिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कैनेडा में। पार्टनरशिप में भी सेम उन्होंने ये बात किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही है, बस ये कि इसके जो ओनर्स होंगे वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं और उनके जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो हर पार्टनर में ना इक्वली शेयर्ड होगा। और कॉरपोरेशन में शेयर होल्डर्स आ जाते हैं जो कि एक फर्स्ट शेयर होल्डर्स भी तीन तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जो सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प कर रहा होता है, एक वो होता है जो कि उसमें ना सारी मैनेजिंग और ये सारी काम वो कर रहा होता है। थर्ड वो होता है जिसके कोई पैसे वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कॉरपोरेशन में। तो अब ये होता है हमें ना, अब इन तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर या लीगल स्ट्रक्चर जो है बिजनेसेस के, उसमें से हमें सेलेक्ट करनी होंगे, उसके बाद हम अपने बिजनेस को आगे ले चल सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि अगर हम इनकॉर्पोरेट, कोई इंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस को एक इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो किस तरह कर सकता है, वो या तो वो हाँ डायरेक्टली भी कर सकता है, कॉर्पोरेशन कैनेडा की वेबसाइट है वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके डायरेक्टली रजिस्टर करवा लें। उसके कुछ फोर स्टेप्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट ये आता है कि उसको ना कॉर्पोरेशन नेम चूज करके रजिस्टर करना होगा जिसके अंदर कंपनी का नेम और नंबर दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट वो जो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा वो उसको क्रिएट करके करना होगा। उसमें ये बेसिकली जो वहाँ के जो बेसिक और इनकॉर्पोरेशन जो बेसिक इनकॉर्पोरेशन है, जो वहाँ के लोकल इनकॉर्पोरेशन है, वही सजेस्ट करते हैं कि जो प्री डिटरमाइंड आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसको ज़्यादा वही यूज़ किया जाए, और उसको बाद में जैसे आप बाद में जरूरी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको मॉडिफाई करा लें। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि आप अपने जो इनिशियल हेड ऑफिस का जो इनिशियल एड्रेस है वो इस्टेब्लिश कर लें ताकि, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपने बना लें। इससे ये होगा कि हम अब एक हेड ऑफिस बन गया, अब जितने भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वहीं पे सारे हमें ना मिलेंगे। अब अगर हम एक प्रॉपर अपना एड्रेस नहीं मेंशन करते तो ये होगा कि हमारे वो आप जो लीगल एंटिटी है हमें डॉक्यूमेंट्स तो भेजे होंगे लेकिन वो हमें मिलेंगी नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप पहले अपना हेड ऑफिस का जो एड्रेस है ना वो आप पहले मेंशन करने से होगा, हम बाद में हमें भी इश्यूज नहीं आएंगे और आगे लीगल एंटिटीज़ को भी नहीं आएंगे। और फिर नेक्स्ट लास्ट पे स्टेप ये कि आपको जो भी इनकी फीस होगी वो पे करनी होगी। नेक्स्ट पे ये है कि हमें अपनी बिजनेस की लोकेशन किस तरह हम चूज करें। क्या सबसे पहले ना एक ये होता है कि कमर्शियल स्पेस ना बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है बिजनेस में, कि हमारे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर उसके कमर्शियल स्पेस का, कि उसके साइज का, उसके लेआउट का, लोकेशन का और उसके अपीयरेंस का एक बहुत कह सकते हैं कि अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। तो हमें ये चाहिए कि हम एक थोड़ा अपनी ना नीड और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपने जो लोकेशन है बिजनेस को वो हम सेलेक्ट करें। तो उसके कुछ टिप्स दी गई हैं, उसमें ये है कि हमने अपने जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हम ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे ना वो बिजनेस ना वहाँ पे इजीली स्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट ये कि हम ना अपने वहाँ ये देखें कि जो अब हम कोई जगह, जैसे हम जो कोई जगह देख रहे हैं वहाँ पे मॉडिफिकेशंस की कितनी ज़रूरत है, कि हाँ ऐसा ना हो कि हमारा बजट से एक्सीड कर जाए मॉडिफिकेशन में ही, कि हम उसको रेनोवेट कराते कराते ही हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे लग जाएं। तो ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी होगी। फिर वहाँ के जो लोकल टैक्सेस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमें कंसिडर करना होगा कि किस तरह के हैं वहाँ पे, लोकल टैक्स कितना है हमारे, मतलब हम इजीली पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर हम ये भी कंसिडर करें कि वहाँ पे ना हमारे बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कि हम आगे हमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा किस तरह हमारा बिजनेस हम आगे चल सकते हैं।
तो ये चीज़ भी हमें कंसिडर करना है। दूसरा ये देख, हमें ना ये कहना है कि हमारे जो नीड्स हैं और वांट्स हैं ना, उसको हम सेपरेट कर दें। ये ना कि जो हमें ज़रूरी था ही नहीं, हम उसको कंसिडर करके अपने बिजनेस को मतलब लगाएं जाए अपने बिजनेस पे। सबसे पहले हमें अपने नीड्स देखने के, अपने बिजनेस की नीड्स क्या है, कि हमारे ऑफिस स्पेस हो, उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रॉपर स्पेस हो, ये सारी चीज़ें देखनी। ना हो कि हम पहले डेकोरेशंस की तरफ चले जाएँ। तो इन चीज़ों को सेपरेट करके अपने बिजनेस की लोकेशन को चूज़ करें। नेक्स्ट ये कि स्मॉल बिजनेस के लिए जो सर्वाइवल स्टैटिस्टिक उन्होंने कुछ दी हुई थी, तो उस पर भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ एडवाइसेस दी हुई कि किस तरह एक छोटा सा बिजनेस जो है, एक वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं उन, वो किस तरह वहाँ पे एक मार्केट में किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अपने बिजनेस को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, अपने अच्छे मतलब एक एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करें और कस्टमर सर्विस पे ज़्यादा फोकस करें, इंटरनेट स्ट्रेटजी एक बनाएं अपनी और प्रॉपर नेटवर्किंग स्टार्ट कर दें। फिर स्टेप टू पे आ जाते हैं कि अब हमारा ये कह सकते हैं हमारा बिजनेस प्लान बन गया। अब हमने अपने बिजनेस का एक प्रॉपर नेम चूज़ करना होगा। अब हमें ना बिजनेस नेम हम इस तरह चूज कर सकते हैं कि जो भी अब हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई ऐसा नाम हो। फिर सेलेक्ट हमने कर लिया, उसके बाद हम वो देखेंगे कि बाकी कोई और उस नाम से बिजनेस ना हो, हम उनकी डायरेक्टरी जो लोकल डायरेक्टरीज हैं वहाँ पे हम चेक करेंगे। और लोकल डायरेक्टरीज आपको ऑनलाइन भी आजकल मिल जाती है, तो वहाँ पे भी हम उनको कर सकते हैं कि किस कोई हमारा जो जैसे सिलेक्टेड नाम है उसका कोई और बिजनेस तो नहीं, अगर है तो हम उसको रिप्लेस कर दें, अगर नहीं है तो फिर आगे आप उसको उस नाम को रजिस्टर करवा दें। अब नाम रजिस्टर हो गया, उसके बाद हमें कराना होगा अपने बिजनेस को रजिस्टर। कि अब हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने से पहले ना कुछ पॉइंट्स हैं उनको हमें वो करना होगा कि किस कौन मतलब क्या क्या हमारी ना बेसिक नीड्स हैं रजिस्ट्रेशन से पहले। वो ये होगा कि हमें हमारा मेन ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है और कौन सी प्रोविंस या टेरिटरीज में हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, वो प्लान भी करना होगा। और बिजनेस का नाम जो होगा उसका वो एक प्रॉप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो हम प्रपोज करेंगे। फिर टाइप के कौन से टाइप ऑफ बिजनेस हम में जो हमारे बिजनेस में ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, हमें ये चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद हम अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा देंगे। जो मैंने टाइप्स बताई नहीं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉपरेशन और कोऑपरेटिव, सारे जो हैं इनमें से हम कुछ भी कर सकते हैं। स्टेप थ्री पे आ जाते हैं, उसमें ये कि हमें बिजनेस के परमिट्स और लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना होगा। परमिट्स और लाइसेंसेस जो भी हमें ज़रूरी होगी वो ना थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और ये ना एक वेबसाइट है वहाँ पे इसी canada.ca पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक उन्होंने ना एक लिंक दिया हुआ था कि इस लिंक के थ्रू आप इजीली अपने ना बिजनेसेस को रजिस्टर के लाइसेंस और परमिट को आप ले सकते हैं। उसका नाम है बिजपेल। बिजपेल बेसिकली आपके हमारे ना हमारे परमिट्स और लाइसेंसेस को लेके देती है और हमें फिल्टर करके देती है कि हमें कौन से लोकेशन पे इजीली और इंडस्ट्री कौन सी हम चूज करें, बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो, ये सारी उसमें हमें काफ़ी हेल्प करती है। तो इनकी आई गेस इनकी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो उन्होंने दी हुई थी। फिर हम बिजनेस सपोर्ट एंड लास्ट बिजनेस सपोर्ट एंड फाइनेंसिंग किस तरह ले सकते हैं। सॉरी, स्टेप फाइव है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो गेट हम ये होगा कि हमें ना अपने जैसे अब हमने बिजनेस सेट कर दिया, लेकिन हमें ना कभी हो जाता है कि हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पे ना कुछ इनके कुछ ना वो बने में ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमें अपने उसी के बिजनेस के अकॉर्डिंगली हमें ना सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमें रीजनल बिजनेस सपोर्ट भी किया जाता है, इमिग्रेंट बिजनेस सपोर्ट भी किया जाता है। कि अगर हम कोई सोशल इंटरप्राइज स्टार्ट करें उसके उसमें भी किया जा सकता है, कोऑपरेटिव में भी कर सकते हैं, यंग फार्मर्स को भी ये फाइनेंस करते हैं और इनोवेशन फंडिंग और सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट ये कि अब हमारा बिजनेस बन गया है, अब नेक्स्ट हमें कंसिडर करना होगा कि हमारा जो बिजनेस का है उसको हम किस तरह हम बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि हम अपने बिजनेस को वी कैन प्रोटेक्ट योर बिजनेस थ्रू, वो ये कहते हैं कि ये जो है ना हमारे बिजनेस को इन
कुछ फैक्टर्स से हमें बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, इमरजेंसी प्लानिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होती है, इंश्योरेंस की जाती है, और लीगल इश्यूज होते हैं उनको ये प्रोवाइड करके हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। इमरजेंसी प्लानिंग क्या होती है कि सबसे पहले ये होता है कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस टीम स्टैब्लिश की जाती है, उसको हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, हमारी फंक्शंस जो होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी हमारी बिजनेस की एसेंशियल सर्विसेज हैं, फिर रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या है हमारे, और हमें कौन सी इस मतलब हमें स्टाफ की जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसको आइडेंटिफाई करके उनको रीलोकेट किया जाता है, और पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रॉपर प्लान जो होता है हमारे एसेंशियल सर्विसेज के से रिलेटेड वो एक प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयरनेस चेकलिस्ट को कंपेयर करते हैं, उसके बाद इमरजेंसी प्रिपेयरनेस टीम का रिव्यू होता है, और लास्ट पे ये होता है कि हमें रिव्यू टेस्ट और अपडेट करते हैं प्रिपेयरनेस टीम को। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं, क्या हम आप सबसे स्टेप वन में क्या हम अपने प्रिपेयरनेस टीम एक स्टेब्लिश करें कि प्रिपेयरनेस टीम होता है कि ना ये एक ऐसी टीम होती है जो कि इमरजेंसी में ना हमें जो भी हमें नीड होती हैं वो नीड रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिजनेस की ये उसको फुलफिल करती है। उनके जो आप कह सकते हैं वो किन फैक्टर्स पे या किन बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये रिलाई करती है, वो ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इनको इनकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इनकी सॉलिड रिसर्च होनी चाहिए जितने भी रिस्क एक बिजनेस को आ सकते हैं, इनके पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए कि अगर कोई यूनिक चैलेंज आ जाता है बिजनेस के लिए तो उसके लिए इनको ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि हम इस चैलेंज पे किस तरह उसको टैकल करें, और एक प्रॉपर रिलायबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए इनका कि अब इमरजेंसी में इनको फ़ौरन फ़ौरन इनको पता हो कि हम अगर ये इमरजेंसी आ गई तो इस पर उन्होंने क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह बिजनेस को स्टेबल करना है, तो ये सब कुछ वो देखेंगे, लेवल को स्टेब्लिश करेगा और मॉनिटर करेगा, ट्रेनिंग को और क्रॉस ट्रेनिंग प्लान्स को डेवलप करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि आइडेंटिफाई जो बिजनेस पार्टनर्स की जितने भी आइडेंटिफाई कीज होंगी उनको आइडेंटिफाई करेगा, तो सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स को बीसीपी डिटरमाइन करेगा, पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होगा इमरजेंसी बिजनेस पे जो भी इमरजेंसी पे में जो कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ जाता है तो उसको ये पोटेंशियल एक्सेस देगा, नंबर ऑफ सप्लाईज को ये इंश्योर करेगा कि हमारे पास सारी सप्लाईज हैं उन एमरजेंसी में, लोकल साइट मैनेजर की जो प्लान होगा उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। नेक्स्ट है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ये इस्टेब्लिश करेगा पॉलिसीज को जो कि मतलब अगर कोई कंपनसेशन हमें चाहिए हो या कोई एब्सेंट हो गया या वर्क प्रोसीजर में हमें जैसे होता है क्या अगर कोई एब्सेंट हो गया तो हमें उसमें ऐसी कंपनसेशन बनानी होगी कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उसको स्टेब्लिश किया जा सके, चेन ऑफ कमांड को डिफाइन करना होगा ताकि हमारे प्लान इम्प्लीमेंटेशन के प्लान को प्लान किया जा सके, और ट्रिगर पॉइंट्स के लिए अथॉरिटीज इस्टेब्लिश करनी होगी, और कब हम बीसीपी को इम्प्लीमेंट करनी होगा ये भी हमें इस्टेब्लिश करना होगा कि किस तरह हम करें, इमरजेंसी जो भी सेफ्टी पॉलिसीज होंगी इमरजेंसी सेफ्टी पॉलिसीज होंगी उनको वर्क प्लेस पे उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे, और जितनी भी पॉलिसीज होंगी एम्प्लॉयज़ को जैसे अब इमरजेंसी में कोई इफेक्ट हो गया तो उस पर भी हम काम करेंगे ताकि बाद में देखा जा सके कि कोई पेंडेमिक या कोई भी मसला हुआ इमरजेंसी में तो हम उसको उस पे ना उसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा एक्सपोज ना हो। नेक्स्ट उनका है कि हम कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, और ये है कि हमें अच्छी कम्युनिकेशन करनी होगी, एक स्टाफ लेवल में मेरे रिलेशंस को मैनेज करना होगा, सीनियर मैनेजमेंट जो होगी वो हमें वो एडवाइस करेगी, इंस्टेल इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीपी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन है, और हेल्थ कैनेडा एंड पब्लिक सेफ्टी के स्टाफ को एजुकेट करेंगे ताकि कोई पॉसिबल लगे इमरजेंसी आ जाती है तो उनको क्या करना है, उनको सारी बातें उनको बताएंगे कि ये स्टेप्स आप लें, और ट्रेनिंग जो होंगी उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, लोकल साइट मैनेजर्स को
को इंप्लीमेंट कर लोकल साइट मैनेजर होंगे वो प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और एक प्रॉपर सेटअप बना देंगे जो उससे एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर किया जा सके इमरजेंसी के उसमें कोई इमरजेंसी आ जाती तो। स्टेप टू में होगा कि आइडेंटिफाई एसेंशियल सर्विसेज या फंक्शंस को हम आइडेंटिफाई करें अगर हम ड्यूरिंग ए इमरजेंसी अगर कोई इमरजेंसी की उसमें हमारे एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन या ऑपरेशन में अगर हमारे ऑपरेशन में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है तो हम क्या करें। हम हाई जितने भी हमारे हाई स्टाफ है उसको एब्सेंटी अगर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जैसे अब कोई हमारे बिजनेस में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है हाई स्टाफ एब्सेंटीज्म की वजह से या सप्लाईज और मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना अवेलेबिलिटी की वजह से या इंटरप्शन हो कोई हमारे पावर में ट्रांसपोर्टेशन में कम्युनिकेशन में तो इसके अलावा हमें ना कोई जितनी इसकी ऑल्टरनेशन हमारे पास होनी चाहिए ना कि अब कोई स्टाफ हमारा नहीं है तो उसकी ऑल्टरनेट और हमें वो स्टाफ की ज़रूरत है और हम उसके ऑल्टरनेटिव पे कोई हो जो उसकी जो जॉब्स हैं उसकी टास्क है वो फुलफिल करें। अगर सप्लाईज नहीं है कोई तो ऐसा ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम ऑल्टरनेटिव हो कि हम फ़ौरन फ़ौरन वहाँ से हम ऑर्डर करें और वह सप्लाईज हमें इन एमरजेंसी मिल जाए। और जैसे अगर कभी हो जाता है कि पावर का इशू हो जाता है तो हमें पास उसका भी ऑल्टरनेटिव हो जैसे जनरेटर्स हो गए और वो उसकी ज़रूरत वो हमारे पास हो अवेलेबिलिटी हो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जगह का मसला हुआ तो उसकी भी कोई ऑल्टरनेटिव हो और कम्युनिकेशंस की भी हो कोई मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें ना हमें अपने एसेंशियल को आइडेंटिफाई करके उनकी जो ऑल्टरनेटिव है उसको पहले से प्लान कर देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हमारी जो स्किल सेट है हमारे स्टाफ की उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। वो ये कह रहे हैं कि इसमें ना हमें अपने स्टाफ के जो भी हमारे स्टाफ है हम उसकी ना उनकी स्किल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करें और उनकी स्किल सेट के अकॉर्डिंगली हम उनको जो है ना टास्क उनको हम दें कि जैसे जैसे सपोज कोई नेटवर्किंग का बंदा है तो सिर्फ उसको नेटवर्किंग का ही काम दें ये ना हो कि हम उसको कोई हम अकाउंट्स का दे दें। ऐसा ना हो कि स्किल सेट के अकॉर्डिंगली हम स्टाफ को उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करें और अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हमें सर्विसेज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हमें अगर चाहिए तो वो भी हम फौरन उसको आइडेंटिफाई करें और उसको फुलफिल करने की कोशिश करें कि अगर जैसे हमें कोई लाइसेंस चाहिए होता है कोई हमारे पास ऐसी मशीनरी है जिसके जिसके लिए हमें प्रॉपर लाइसेंस चाहिए उसके बगैर वो हम ऑपरेट नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि वो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करके हम हमारे पास वो लाइसेंस आ जाना चाहिए ताकि बाद में कोई हम पे पेनल्टी ना आ सके। पोटेंशियल इश्यूज़ का नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में ये कि हम अपने पोटेंशियल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें कि अब ये कह रहे हैं कि अब अगर हम कोई अपने सर्विसेज या फंक्शंस को अगर एलिमिनेट करते हैं तो हमें कौन कौन से मतलब क्या हमारे साथ कि हम क्या इसके कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या आ सकते हैं कि हम तो सबसे पहले ये कि हमें डॉक्यूमेंट में ना कुछ तीन चीज़ होंगी कि हम उसको मेंशन कर दें कि जो भी हमारे पास इश्यूज हैं वो हम जितने भी इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करके वो मेंशन करें जितने हम उन इश्यूज के लिए हम प्लान या एक्शंस हम लेंगे उसको वो प्रॉपर हम उसको डिस्क्राइब करें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड पीपल्स की जो लोग हैं जो वहाँ पर उसमें काम कर रहे हैं उस फील्ड में तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर सर्विस और फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम वो भी मेंशन कर दें। नेक्स्ट ये कि अपने एसेंशियल सर्विस के अकॉर्डिंगली हमें एक प्रॉपर प्लान प्रिपेयर करना होगा कि हमें अपने प्लान को में ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 6 चीज़ें जो हमें इंक्लूड करनी होगी उसमें आ जाता है कि हमें अपनी सर्विस के डिस्क्रिप्शन को डालना होगा और जो भी रिस्पॉन्सिबल है कोई इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है जो इम्प्लीमेंट करेगा एक्शन को उसका नाम बैकअप इंडिविजुअल क्या है जो अगर वो एक जो पहले जो हमने एक बंदा हमने उस पर किया था जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल था वो नहीं है इन केस ऑफ कि वो नहीं आता तो उसके बैकअप पे कौन सा इंडिविजुअल है वो भी हम उसको मेंशन करेंगे हमारे बिजनेस पे क्या इसके इम्पैक्ट होंगे वो इश्यूज भी हम करेंगे एक्शन प्लान्स क्या होंगे और रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होंगे ये सारी चीज़ें हम ये 6 चीज़ें जो हैं वो हम मेंशन कर देंगे ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज होंगे हम उसका एक प्रॉपर प्लान बना रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें हम मेंशन करके आगे सबमिट करेंगे। फिर वो कह रहे हैं प्रिपेयरनेस चेकलिस्ट को हम कंपेयर करेंगे
जिसमें ये आ जाएगा कि हमारे बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट आया था, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स पे कितना इम्पेक्ट आया था, हमारी जो पॉलिसीज थी हमने जो इमरजेंसी के हालत में इस्टेब्लिश की थी वो कौन कौन सी थी, हमने कौन सी रिसोर्सेज को एलोकेट किया था ताकि हमारे बिजनेस एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी हमारे रिसोर्सेज को हमने एलोकेट किया था वो कौन कौन सी हैं, हमने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या क्या कम्युनिकेशन की, और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हमने किस तरह कॉर्डिनेट किया, उसे कौन कौन सी हमने हेल्प ली, किस कम्युनिटी से हमने हेल्प की, वो सब कुछ हमें ये जो एक चेकलिस्ट बनानी होगी जिसमें हम ये सब कुछ मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि हमें रिव्यू करना होगा कि हमने प्रिपेयरनेस टीम में जो हमने असाइन की थी तो उसने किस तरह हमें काम उसने काम किया, यू शुड कि हमें एक प्रॉपर ड्राफ्ट बना के बिजनेस कॉन्टेंसी प्लान बनाना होगा, और उसमें होगा कि हम ना अपनी जितनी भी इमरजेंसी प्रिपेयरनेस टीम है उसको रिव्यू करेंगे और कमेंट देंगे कि उन्होंने किस तरह इमरजेंसी को संभाला है और किस तरह उन्होंने उसको रिव्यू किया है, किस तरह उन्होंने उस पर उस इमरजेंसी को टैकल किया है कि हमारा बिजनेस जो है अब कंसिस्टेंट यूनिट है कि नहीं है, और क्रिटिकल एलिमेंट्स जो भी थे उसको वो हम एड्रेस करेंगे कि ये सारे मतलब ये इश्यूज आए थे और यहाँ ये बिजनेस का ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ हमारे इमरजेंसी के में, वो सब कुछ हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ये कि हम टेस्ट रिवाइज और अपडेट करेंगे प्लान को, जो कि प्रोएक्टिव भी हो सकता है, हम अपने प्लान को ट्रायल रन में डाल देंगे और अपने जो भी हमारे बिजनेस की वीकनेस है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर ये लोग कह रहे हैं कि फिर नेक्स्ट फील्ड आ जाती है, जैसे हमने बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे बात की थी, अब नेक्स्ट इनकी फील्ड आ जाती है टैक्सेस, कि ये सारी टैक्सेशन सर्विसेज जो भी इंडिविजुअल्स या बिजनेस चैरिटीज और ट्रस्ट को के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी ये उसमें ये हमें कह सकते हैं कि असिस्ट करते हैं इनकम टैक्स में भी, जीएसटी में, पेरोल्स में, बिजनेस नंबर रजिस्ट्रेशन में, सेविंग पेंशन प्लान में, चाइल्ड फैमिली बेनिफिट्स में, और टैक्सेस ड्यूटीज एंड लेवीज में, चैरिटीज और गिविंग, जितने भी हमारे पास टैक्स रिलेटेड या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी हमारे सर्विसेज हैं वो ये हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये होगा कि हमें ना इजीली हमें पता है कि हमें कहाँ पे जाके टैक्स करना है, कितना पे करना है, वो सब कुछ हमें प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कल्चर, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स आ जाता है, जिसकी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन ये कि ना सबसे पहले ये फंडिंग फिर अब वो सर्विसेज देख लेते हैं कल्चर, हिस्ट्री और स्पोर्ट के अकॉर्डिंगली, वो सबसे पहले ये फंडिंग करते हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कल्चर को प्रिजर्व करती हों, हिस्ट्री को प्रिजर्व करती हों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी, उनको ये फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। फिर इवेंट्स और सेलिब्रेशन कमोरेशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कैंडिडेट की जो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी कह सकते हैं कि जो उनकी जो बेसिक कल्चर है ना ये उसको प्रिजर्व कर रहे हैं और उसको ना मतलब उसको एक अच्छे उसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स में जितने भी हमारे पास इनको चैरिटीज़ होती हैं या उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं जो एक लाइफ स्टाइल प्रॉपर एथलीट का होता है ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड हेरिटेज के इससे हम यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी जो कैनेडा की जो हिस्ट्री है और हेरिटेज है हम वहाँ पे उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, उसके आर्ट और मीडिया को कर सकते हैं, कि किस तरह हम उसमें फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हम दे सकते हैं। और जैसे अब कोई है कोई वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जो कि आर्ट और मीडिया के अकॉर्डिंगली है तो वहाँ उनको भी ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बुक पब्लिशिंग में, फिल्म्स में, और जैसे इन चीज़ में कोई जाता है तो यूथ लीडरशिप या कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हमें इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और कल्चरल लैंडमार्क्स और अट्रैक्शन होती हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल। अच्छा ये जॉब्स हमें काफ़ी कह सकते हैं कि अब कोई वहाँ पे सिर्फ जॉब के लिए अगर जा रहा है तो वो यहाँ पे इजीली वहाँ पे इनको स्किल्स को एक्सप्लोर करके वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे भी जॉब्स मिल सकती हैं। और अब कोई बिजनेस है वहाँ पे उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं हायरिंग करने में और एम्प्लॉयज़ को वो मैनेज करने में और वर्क प्लेस के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में, पेंशन और रिटायरमेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स होती हैं और रिलीज होती हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हम जो बिजनेस हैं यहाँ पर फॉरनर हैं उनको
फॉरनर्स भी और किन लोकल्स को भी ये असिस्ट करते हैं। अब आ जाता है कनाडा एंड द वर्ल्ड, मतलब कनाडा फॉरेन कंट्रीज अगर वहाँ पे जाती हैं तो उसके साथ किस तरह ये डील करते हैं कि ये अब कोई फॉरेन पॉलिसी फॉरेन कंट्री वहाँ पे जाना चाह रही है तो उसको फॉरेन पॉलिसीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स, डेवलपमेंट जो होती है वहाँ पे, जितना भी हमें फॉरेन से रिलेटेड जितना भी काम होता है ये उसमें असिस्ट करती हैं। और ये हमें वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसमें ये कि इंटरनेशनल ऑफिसेज और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स बनाए गए हैं कि अगर जैसे कोई फॉरेनर जाता है तो उसको प्रॉपर गाइड किया जा सके, इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज में जितना उसकी वो प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं वो कैनेडा के वो हैं, और ग्लोबल इश्यूज, इंटरनेशनल असिस्टेंट, कैनेडियन फंडिंग फॉर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, और इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी हद तक ये असिस्ट करते हैं। इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, अगर ये क्यों कह रहे हैं कि अगर हमें ट्रैवल के लिए अप्लाई करना हो या स्टडी के लिए या कनाडा में काम के लिए हम जाना चाह रहे हैं या हमें सिटीजनशिप चाहिए या कोई परमानेंट रेजिडेंट कार्ड या रेफ्यूजी प्रोटेक्शन चाहिए या हमें अपने एप्लीकेशन या कोई फॉर्म अगर अपनी मतलब उसके सिटीजनशिप के अकॉर्डिंगली हमें कोई फॉर्म या स्टेटस चेक करना हो तो वो भी ये सारी सर्विसेज जो हैं ये लोग जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये प्रोवाइड करती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं जो ये देते हैं कि अब जैसे आज का COVID-19 काफ़ी ज़्यादा है तो ये COVID-19 बेनिफिट्स भी इंक्लूड करते हैं जिसमें एम्प्लॉय की इंश्योरेंस, उसकी पेंशन, उनके हाउसिंग के बेनिफिट्स जो अब जैसे कोई एम्प्लॉय को मिलते हैं ये सारे बेनिफिट्स तो मिलते हैं ना कि इंश्योरेंस मिलती है, पेंशन मिलती है, हाउसिंग मिलती है, एजुकेशन मिलती है, बच्चों की ट्रेनिंग्स होती हैं, फैमिली और पीपल की जो अब जैसे फैमिली में कोई लोग हैं जो डिसेबल हैं उनके लिए भी हमें उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज के, अब ये उसमें भी काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, वेदर, एग्रीकल्चर में, वाइल्ड लाइफ में, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फिशिंग्स वगैरह, ये उसमें भी अगर कोई चाहता है काम करना तो ये उसमें भी उनको काफ़ी हद तक असिस्ट करते हैं। अब फाइनेंस के अकॉर्डिंगली कोई फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम आ जाते हैं अपने मतलब मनी, डेब्ट, इन्वेस्टमेंट्स, प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं, रिटायरमेंट की वो अगर, और फ्रॉड से अगर हम कोई बंदा बचाना चाह रहा है तो उससे भी काफ़ी हद तक हमें ये मतलब हमें हेल्प कर देते हैं कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स को, सेविंग्स में, गवर्नमेंट फाइनेंसेस में, टैक्सेस में, इंसॉल्वेंसी में, कंज्यूमर्स अफेयर्स में, पेंशन एंड रिटायरमेंट में, एजुकेशन फंडिंग्स में, ये कह सकते हैं मनी और फाइनेंशियल जो है उनको ये मैनेज करता है काफ़ी हद तक। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफर में आपके साथ साथ रहते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971-565-499-494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।